नमस्कार दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो आप लोग जरूर सुने होंगे। अप्रैल 1912 यानी लगभग 111 वर्ष पहले टाइटैनिक जहाज समंदर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। उसमें करीब 3000 लोग सवार थे और हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए। टाइटैनिक जहाज का डूबना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हादसा था और टाइटैनिक पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी आई थी। डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा आज भी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। उसे देखने के लिए अमीरों के अंदर एक खास उत्साह बनी रहती है और इसीलिए करोड़ों की फीस देकर लोग पनडुब्बी के जरिए समंदर के अंदर टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं। और वैसा ही हादसा फिर एक बार हुआ, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल SS फैक्ट जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत काम आएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन नाम की पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरते पल के साथ पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की जान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें सवार 5 लोग जिसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर थे, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पनडुब्बी में चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। आपको बता दें कि पनडुब्बी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। दावा है कि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन गुरुवार दोपहर तक खत्म हो जाएगी। ऐसे संकट में फंसे 5 लोग अटलांटिक महासागर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पनडुब्बी में पाकिस्तानी मूल के अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी उस पनडुब्बी में सवार 5 यात्रियों में शामिल है। पनडुब्बी के लापता होने की खबर मिलते ही दुनिया भर की बड़ी से बड़ी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल सबके हाथ खाली है। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। 5 समुद्री विशेषज्ञ जहाज रोबो के साथ 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े एरिया की छानबीन कर रहे हैं। अमेरिकी तटरक्षक जेमी फ्रेडरिक ने दावा किया है कि गहरे समुद्र के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें भी सुनाई दी है। इसके बाद से तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। साथ ही समुद्र से आने वाली इन आवाजों की सोनार तकनीकी से पड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि पर्यटक पनडुब्बी का 1.5 घंटे की इस सकुशल यात्रा के बाद सपोर्ट शिप से संपर्क टूट गया था। पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने की आधी रास्ता पूरा कर चुकी थी। इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। दुनिया के 5 महासागरों में से दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, जहां गहरे समंदर में मिनी पनडुब्बी टाइटन को ढूंढना भूसे में सुई खोजने के बराबर की तरह माना जाता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिना वक्त गंवाए खोजबीन में जुटा हुआ है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें चमत्कार की उम्मीदें लगाए बैठी है ताकि टाइटन नाम की पनडुब्बी में सवार सभी 5 रईसों की जिंदगी को बचाया जा सके। नहीं तो टाइटैनिक के साथ साथ टाइटन नाम की मिनी पनडुब्बी भी इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाएगी। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।